नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज न्यूज में। आइए हम ले चलते हैं आपको न्याति नोरा, जहां पर श्री मंडार सेवा समिति ने ग्राम पंचायत मंडार को 250 ने 250 डस्टबिन सौंपे हैं। ये उन्होंने बाजार में जगह जगह पर लगवाने के हैं, और जैसे बाजार में पूरी तरह से कचरा ज़्यादातर व्यापारियों की वजह से होता था, जो और व्यापारियों की भी मजबूरी थी कि भाई कचरा कहाँ डालें, वो जमा तो करें लेकिन डाले कहाँ, एक दिन दो दिन फिर जमा करके फिर तीसरे दिन वापस उनको सड़कों पर डालना पड़ता था, और सड़कों पर आवारा पशु या गाड़ियां वगैरह या हवा से या बरसात की वजह से नालियों में बहकर चारों तरफ गंदगी हो रही थी। हमने सरपंच व सेवा समिति के सदस्यों से बात की, आइए क्या कहा सुनते हैं। हमारे साथ में है मंडार सरपंच, हम उनसे बात करेंगे। मंडार सेवा समिति ने इनको 250 डस्टबिन सौंपे हैं, तो बताइए सरपंच साहब, किस तरह से आपको सौंपे गया और कैसे उसका उपयोग करेंगे? ये बहुत सालों से समस्या रहती थी गांव के अंदर, जो कचरा डालने की कोई डस्टबिन नहीं थे। लेकिन आपके मैंने श्री मंडार सेवा समिति से रिक्वेस्ट किया था कि मुझे डस्टबिन चाहिए, तो इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मानते हुए 250 डस्टबिन हमको भेंट कर रहे हैं पंचायत को, और हर 5 दुकान छोड़कर एक डस्टबिन रखा जाएगा ताकि गाँव के अंदर कचरा नहीं रहेगा और स्वच्छ अपना मंडार बन सके। सुरक्षा के क्या आप उपाय करेंगे? पूरे मंडार के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ से कोई डस्टबिन गायब होता था उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ में है मंडार सेवा समिति के सदस्य कैलाश सुराना और रश्मि भाई बोगड़िया। ये जो डस्टबिन आपने दिए हैं, ये किस तरह से दिए और किस मद से या संस्था की तरफ से हैं, समाज की तरफ से हैं, किस तरह से? ये श्री मंडार सेवा समिति की तरफ से दे रहे हैं हम लोग। हमारे सरपंच महोदय ने हमको एक रिक्वेस्ट भेजी थी कि गांव के अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ जहाँ लोग कचरा फेंक रहे हैं, कचरा जहाँ तक पड़ा रहता है सफाई होती नहीं है। तो हमने उनकी बात का मान रखते हुए उनको, उन्होंने बोला कि 200-150 चाहिए करके, तो हमने उनको 250 डस्टबिन देने की घोषणा की थी और आज इसको कार्य का पूर्ण कर रहे हैं। कैलाश आप कुछ बताएंगे? सरपंच साहब ने हमारे को रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मतलब साफ सफाई के लिए कि भाई कचरा अस्त व्यस्त लोग फेंकते रहते हैं, इसलिए उनको एक जगह मतलब कि कचरा फेंके इसलिए डस्टबिन चाहिए थे, जो हमने उनको 250 डस्टबिन भेंट किए हैं। आप लोगों से एक हमारे मन की आवाज़ न्यूज़ से एक रिक्वेस्ट थी कि सेवा समिति की तरफ से क्या आप व्यापारियों को भी ऐसे मोटिवेट करेंगे कि साहब आप कचरा उसमें डालें, इसके लिए कुछ आप? हम उसके लिए भी कुछ प्लान बनाएंगे कि ताकि लोगों को एक मोटिवेट करेंगे भाई, जहाँ तक लोग कचरा मत फेंको, डस्टबिन आपको दिए जा रहे हैं तो कचरा उसके अंदर फेंकें, बाहर रोड पे नहीं फेंकें, जलाएं नहीं उस कचरे को, और डिब्बे में डालेंगे तो क्या गांव की सफाई भी अच्छी रहेगी और गंदगी भी नहीं फैलेगी, मच्छर भी नहीं फैलेंगे। हमने अग्रिम में भी एक मुहिम चलाई थी, ये 15 अगस्त के दिन हमने पूरे गाँव की सफाई करवाई थी, और होली चौटे पर लगभग हमने 2 दिन तक JCB चला के पूरी साफ सफाई करवाई थी। उस टाइम में भी हमने बहुत बड़े बड़े डस्टबिन लगभग 80 डस्टबिन लगाए थे उस टाइम में भी, और वो भी मतलब वेस्ट हो गए, मतलब टूट गए सब आधे से ऊपर, और कई अभी है भी नहीं। और उसके बाद में अभी बीच में और इससे पहले भी पंचायत आई थी, उनको भी हमने लगभग 100 डस्टबिन दिए थे, और अब की बार सरपंच साहब ने हमारे को रिक्वेस्ट की है, इसलिए उनको हम 250 डस्टबिन दे रहे हैं।